नमस्कार, मैं विनीता महतो तहे दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विनीज वर्ल्ड। यहाँ पे हम थोड़ा चिट चैट, थोड़ा गॉसिप, फन, फूड, एंटरटेनमेंट सभी के ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन जो भी मेरे फ्रेंड्स नए हो, मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हो, फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से चिट चैट हुई नहीं थी, दिल में बहुत सारा उबाल पड़ा था, बहुत जगह गई घूमी और एक सर्कल में ऐसे बैठी हुई थी। तो बस बातें, जब गर्ल्स गैंग रहता है तो बहुत सारी बातें होती है, कुछ नोटोरियस, कुछ बहुत ज़्यादा काम का, कुछ फिजूल का और क्या कुछ नहीं। लेकिन जब एक बात जब उठी, हम सर्कल में बैठे हुए थे, तो मुझे लगा कि यस, ये तो सबके दिल में आता ही है, आई मस्ट शेयर विथ यू ऑल। तो बात हो रही थी कि क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ निभाना औरतों को या लड़कियों को ही पड़ता है इन लाइफ। तो इसका तो बहुत सारा पर्सपेक्टिव है, देखने का नज़रिया है, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसमें क्या हुआ, कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, कुछ आरोप, कुछ प्रत्यारोप, कुछ तत्व सामने आए। तो मुझे मैं ये सोचती हूँ और मैं ये मानती हूँ, तो बस यही चीज़ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब बैठी हुई थी सर्कल में तो बात उठा, क्यों औरतों को ही हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है, क्यों औरतों को ही हर चीज़ को मानना पड़ता है। तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, एक चीज़ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये तो कोई मतलब नहीं है। बट जो मैं समझती हूँ और जो मैं अपने लाइफ में उसको प्रूव करती हूँ, उसकी बात करूँ तो ऐसा होता है कि जो एक फैमिली जो बनती है, एक औरत और एक मर्द जब होता है, एक न्यू फैमिली क्रिएट करते हैं, इस दौरान क्या होता है, जो औरतों को है थोड़ा सेक्रीफाइस, थोड़ा केयर और अपनी लाइफ को झोंकना और बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, करते आ रहे हैं, करना पड़ता है और आगे भी हम ही करते रहेंगे। आप वर्किंग हो, आप नॉन वर्किंग हो, आप हाउसवाइफ हो, आप एक करियर ओरिएंटेड वूमेन हो, लेकिन जब दो आदमी जब घर से निकलते हैं तो सुबह को जब घर से निकलते हैं सारा काम करके और फिर जब वापस आते हैं तो एक आदमी भी थका हारा आता है और एक औरत भी थकी हारी आती है। लेकिन वो आते ही जो है अपना काम करना शुरू कर देती है, डिनर में क्या बनेगा, बच्चों ने किया क्या, अगर पेरेंट्स साथ में रहते हैं, इन लॉज रहते हैं या अपने खुद के पेरेंट्स रहते हैं तो उनको कैसे रखना है, दवाइयाँ कहाँ जा रही है, कल को ये मुझे बिल सबमिट करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी इतना डीप में अपने फैमिली को जानता होगा जितना डीप में और जितने हद तक एक औरत जानती है। तो यस, हम लोग को बहुत पहले से ये सिखा के जो आ रहा है कि हम मेरी दादी को, उसकी दादी ने, उसकी दादी ने, उसकी दादी ने कि बेटा तुम्हें सेक्रीफाइस करना है। बट जब हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को देखते हैं तो सेक्रीफाइस आप नहीं भी करो, लेकिन विलिंगली, अनविलिंगली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, करना आपको ही पड़ता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रीज़न है, वो रीज़न ये है कि जो कुदरत ने जो हमें इस जो हमारी संरचना की है कुदरत ने, वो कुछ इस तरह की है कि एक तो एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और पावर टू एब्जॉर्प्शन, वो चाहे पेन हो, चाहे वो स्ट्रगल हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे फैमिली हो, किसी भी चीज़ को अपने आप में इन्वॉल्व करना वो हमारी कुदरत है। और मुझे लगता है औरतों की जो सबसे बड़ी खासियत है कि वो मल्टीटास्किंग है और मल्टी टैलेंटेड है इन रेस्पेक्ट टू मर्द की अगर बात करें तो। वो एक फील्ड में अच्छा हो सकता है लेकिन वो हर एक फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता है। तो क्यों, अगर वो ऑफिस में अगर बहुत अच्छा एक्सेल कर रहा है, बहुत ही अच्छा एक्सेल कर रहा है, तो वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस मतलब ये नहीं कि वो खर्चा नहीं दे रहा है या वैसा कुछ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब इन द सेंस कि लंच क्या बनेगा, ये बहुत बड़ी बात है कि खाने की जो बात होती है। आप काम पर जाओगे और एनर्जी नहीं रहेगी तो आप जा नहीं पाओगे। तो घर कैसे चलाना है, क्या बनना है, बच्चों को कैसे करना है, पेरेंट्स को देखना है, इन लॉज को देखना है, तो
बात जब आती है तो वी आर मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग, नो डाउट। तो जब आपको कुदरत ने इतना सारा आपके ऊपर पावर दे रखा है, तो मैं ये समझती हूँ राइट्स और ड्यूटीज जो आती है वो साइमल्टेनियसली एक ही साथ आती है। जब हम राइट्स की बात करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तब क्या होता है, आपको आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, आपको वो भी करना है, क्योंकि हम राइट्स जो है वो खामखा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पूरा यूनिवर्स का लॉ है, गिव एंड टेक। तो ये तो पूरे यूनिवर्स का लॉ है, तो हमारे ऊपर भी एज यूजुअल अप्लाई होगा। बस मैं ये जो यूथ है और जो नए जनरेशन अभी जस्ट मैरिड लाइफ में घुसे हुए हैं, अभी जाने वाले हैं, उनके लिए ये बोलती हूँ कि कोई बात नहीं है, आप इस चीज़ को लेके चलो कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बेस्ट हाउस वाइफ ही बनना है, बेस्ट मदर ही बनना है, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन यस, मुझे इतना पता है कि आप एक बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर होने के साथ साथ एक बेस्ट मदर भी हो सकते हो, लेकिन साइमल्टेनियसली एक आदमी बेस्ट फादर के साथ एक बेस्ट एम्प्लॉय नहीं हो सकता है। तो आज का मंत्रा है कि आपको जो दिया गया है, कुदरत ने जो आपको शक्तियाँ दी है, उसको अपनाते हुए आगे बढ़िए, और स्ट्रेंथ प्लस पावर जो भी आपके पास है उस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए, और इस चीज़ में पछड़े में सोचना पढ़ने के अलावा कि हम ही क्यों सेक्रीफाइस करें, हम ही क्यों ये करें, हम ही क्यों वो करें, इस चीज़ को हटा के अगर आप एक चीज़ जो पॉइंट बोलते हैं, जो सक्सेस बोलते हैं लाइफ में, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना और ख़ुद को भी प्रायोरिटी में रखना, इस चीज़ को लेके सिर्फ हम ही कर सकते हैं। तो गोलमोल की अगर नटशेल की बात करूँ, बहुत सारी बातें चिटचैट हो गई हैं, लेकिन अगर नटशेल की बात करूं तो कुदरत का ये लॉ है, गिव एंड टेक। अगर हमारे ऊपर हम राइट्स मांगते हैं तो ड्यूटीज़ भी हमें करनी पड़ेगी। उम्मीद करती हूं आज की ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं विनीता आपसे अलविदा लेती हूँ, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी।